बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हस्वी दफशा। क्लास 9 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, 5.3 के क्वेश्चन 1 से 6 तक हम कर चुके हैं, इनकी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके ये 6 क्वेश्चन वहाँ से इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज फैक्टर एक्स प्लस 4 एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम। इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि आपको ये टर्म दी गई है, ठीक है, पी ऑफ एक्स दिया गया है। ये जो एक्स प्लस 4, ये इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर, इसको हम जब इसमें पुट करते हैं या आप क्या करते हैं इस टर्म को इस पे डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर ज़ीरो आता है। ठीक है, आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू के इसमें पुट करना है और जो आंसर आएगा उसको ज़ीरो के इक्वल कर देना है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आपका जो एक्स माइनस 2 है, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इस वैल्यू को इस पी ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो आपका जो है रिमाइंडर बचेगा 36। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन में एल और एम की वैल्यूज फाइंड करनी है। हम वन बाय वन इनको पुट करेंगे, एक्स प्लस 4 से एक्स की वैल्यू निकालेंगे इसमें पुट करेंगे, फिर एक्स माइनस 2 से एक्स की वैल्यू निकालेंगे इसमें पुट करेंगे और फिर क्वेश्चन को आगे चलाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बच्चे हम देखते हैं कि जो हमारा पी ऑफ एक्स है, ठीक है, ये जो हमें टर्म दी गई है, पहले तो हम इसको पी ऑफ एक्स के इक्वल इसको कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स के एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 24। ठीक है, इस स्टेप में हमने ये कर लिया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि एक्स प्लस फोर, ठीक है, वो आपको दिया गया है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, प्लस 4 इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस 4 हो जाएगा। इस माइनस 4 को आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। p ऑफ x यानी यहाँ पे भी हम माइनस 4 पुट करेंगे और एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब हो जाएगा प्लस l एक्स स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर प्लस एम एज इट इज एक्स की जगह पे माइनस 4 एंड प्लस 24। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये क्यूब और ये जो स्क्वेयर वगैरह है सारे ओपन करेंगे। यहाँ पी माइनस 4, ठीक है, इसी तरह लिखेंगे और ये जो है क्यूब ओपन करेंगे, 4 4 16, 16 को आप अगेन 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 64। साइन आएगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि पावर है हमारी यहाँ पे ऑड। जब पावर ऑड होती है तो आंसर में हमारा जो साइन है वो माइनस का ही आएगा अगर आपको दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एल ऐसे ही और ये 4 4 16, अब ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म होगा? क्योंकि इसकी पावर है इवन, ठीक है, अगर पावर इवन हो तो माइनस का साइन अगर दिया गया हो तो वो प्लस हो जाता है। तो 4 4 क्या हो जाएगा? 16 16 को हम यहाँ पे इसके साथ लिख लेते हैं, एल के साथ 16L। अब यहाँ पे देखें, माइनस प्लस माइनस, 4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 4m प्लस 24। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ये इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये जो टर्म है और ये टर्म है, ठीक है, माइनस 64 है प्लस 24 है, दोनों को क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि एक माइनस का साइन है एक प्लस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 64 में से आप 24 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 और वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम हमारी 64 है उसके साथ है माइनस का साइन, प्लस 16 L माइनस 4 M। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे अब हम करने लगे हैं कि यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन क्या ले सकते हैं? 4, क्योंकि 4 पे ये सारी टर्म डिवाइड हो रही है, 4 कॉमन ले लिया है, अंदर क्या बच गया है? 4 10 40 माइनस 40, 4 4 16, 4L माइनस 4 1 4, 1 को नहीं लिखते सिर्फ m लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है,
अब आपको एक चीज बताई गई थी कि वो इसका फैक्टर है x प्लस फोर, जो क्वेश्चन में ऊपर देखें x प्लस फोर जो है इस टर्म का फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब ये होता है कि वहां पे रिमाइंडर आपका क्या आता है, जीरो। आप देखें कि ये जो टर्म होती है ये इक्वल टू दिस टर्म होती है, यानी r जो है हमारा p माइनस जो फोर हमने लिया हुआ है उसके इक्वल है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करते जाएं, पहले 4l माइनस m, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि ये जो r है रिमाइंडर हमारा जीरो, इसकी जगह पे अब हम क्या पुट कर देंगे, जीरो, ठीक है, फोर। और यहाँ पे तरतीब से लिख लें 4l माइनस m माइनस 10, चाहे तरतीब से लिखें ना लिखें से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद ये फोर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ दूसरी तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ पे 4l माइनस m माइनस 10। उसके बाद आप देखेंगे जीरो पे कोई चीज़ भी डिवाइड होती है तो आंसर जीरो हो जाता है, 4l माइनस m माइनस 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम माइनस m, क्योंकि m की वैल्यू निकालेंगे, m को यहाँ पे ले आएंगे क्योंकि ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और बाकी 4l माइनस 10 यहाँ पे ही लिखा रहने देंगे। इसको हम नाम दे लेंगे कि ये हमारी इक्वेशन वन आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो दी गई है, ठीक है, दूसरी टर्म, दूसरी टर्म क्वेश्चन में ऊपर की तरफ चलें, ये देखें x माइनस टू, एक्स माइनस टू को अब आपने इसी तरह इस वैल्यू में पी ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे पुट करना है इसकी वैल्यू x की निकाल के, और फिर देखना है कि आपका क्या आता है, ठीक है। अब हम करने लगे हैं नाउ x माइनस टू, ठीक है, x इज इक्वल टू, दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू टू, टू आ गया यहाँ पे, पुट दिस वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू इन p ऑफ x, ठीक है। p ऑफ x में ये वैल्यू को पुट करेंगे, p ऑफ x हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, क्या है हमारा x क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 24, ठीक है, ये हमारा आया हुआ है पी ऑफ एक्स। इसमें अब आप जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे टू पुट करते जाएं, यहाँ पे भी टू पुट कर दिया है, यहाँ पे भी टू, क्यूब हो जाएगा एल, टू स्क्वेयर हो जाएगा एम, टू प्लस 24, ठीक है। अब यहाँ पे पी ऑफ टू ऐसे ही यहाँ पे ओपन करेंगे, टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, यहाँ पे टू टू ज़ार फोर, फोर एल प्लस टू एम प्लस 24, ठीक है। अच्छा जी, पी ऑफ टू, ठीक है, क्या आया हुआ यहाँ पे, एट प्लस फोर एल प्लस टू एम प्लस 24। अब आप देखें कि ये हमारा आर के इक्वल है, आर पी ऑफ टू इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 और 24 को ऐड करें, 24 में 8 ऐड करेंगे 32 प्लस 4l प्लस 2m, ठीक है। अब आप देखेंगे r जो हमारा इक्वल है p ऑफ टू के, तो r उन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन में, देखें रिमाइंडर हमारा वहाँ पे आ रहा है 36, आप इस सारे टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 36, और यहाँ पे लिखेंगे 32 प्लस 4l प्लस 2m। अब हम 36 यहाँ पे रहने देंगे, 32 को इस साइड पे ले आएंगे साइन चेंज करके, यहाँ पे रह गया 4l प्लस 2m। अब देखेंगे 36 माइनस 32 है, 36 में से 32 माइनस करें तो आपका 4 बच जाएगा, यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, आप 2 कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा 2l प्लस m, ठीक है। इसके बाद ये 2 जो है इस तरफ ले आए, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका बचेगा 2l प्लस m। 2 के टेबल पे इसको कटिंग करें, इसके 2 वन ज़ार 2, 2 टू ज़ार 4, 2 बच गए, ठीक है, यहाँ पे 2l प्लस m, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2l इसके तरफ इस साइड पे जो है लेके आ जाएं, ठीक है। ये आप देखें कि इस तरफ जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, 2l हो जाएगा, माइनस 2l हो जाएगा, और यहाँ पे m, ये हमारी m की आ गई है एक और वैल्यू, इसको हम कहेंगे कि ये हमारी है इक्वेशन टू, ठीक है, इक्वेशन टू।
ये आपकी 2 हो गई है। अब आप देखें यहाँ पे हम लगाएंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। लिखें बाय कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है। 1 इक्वेशन में हमारे जो है वो m की वैल्यू निकली हुई है, 2 में भी निकली हुई है, तो अब आप दोनों इक्वेशंस की जो m m की वैल्यूज है वो दोनों लिखें। m की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में हमारी है वो निकली है 4l-10, ठीक है ये। और इक्वेशन 2 में क्या निकली है, 2-2l। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे 4l ऐसे ही रहने देना, -12l इस साइड पे आके +2l हो जाएगा, 2 इधर ही रहेगा, -10 इस साइड पे आके +10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें 4l +2l दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 6l, और यहाँ बनेगा 10 + 2 = 12 हो जाएगा। l की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, हम क्या करेंगे 6 के इधर ला के डिवाइड करेंगे, 6 × 1 = 6, 2 × 12 = 2 आ जाएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, l की वैल्यू, ठीक है। l की वैल्यू हमारी आ गई है l = 2, ये आ गई l की वैल्यू। अब हमने उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है l और m की वैल्यू फाइंड करनी है, अभी हमने m की भी फाइंड करनी है, ठीक है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू l की जो है वो पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 के मुताबिक, ठीक है, हमारी इक्वेशन 1 थी, आप पीछे पेज की तरफ चलें, इक्वेशन 1 हमारी ये थी कि m = 4l - 10, ठीक है। पहले आप इक्वेशन लिख लें, m = 4l - 10, m यहाँ पे लिखा रहने दें, 4 लिख दें, l की जगह पे हमने जो ये वैल्यू निकाली है 2, ये वाली वैल्यू इसको पुट करेंगे 2 - 10। अब यहाँ पे 4 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, -10। ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस कर दें, 10 में से 8 निकालें 2, ठीक है। लेकिन बड़ी रकम 10 की, उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारी आगे वैल्यू m की, ठीक है। हमें दो ही वैल्यूज निकालनी थी, एक l की निकालनी थी और एक m की निकालनी थी। l की ये निकाल लिया और ये m की निकाल लिया। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।